अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मैं अपने जो न्यूट्रन फैक्ट्स का जो मेरा एक सेक्शन है जिसके अंदर मैं फ्रूट्स वगैरह के, वेजिटेबल के और इसके अलावा हर्ब्स के, स्पाइस वगैरह के बेनिफिट्स बताता हूँ। दोस्तों इसका इसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, चीकू भी कहा जाता है और सपोडीला भी कहा जाता है, तो मुख्तलिफ नामों के साथ पुकारा जाता है इसे, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के अंदर इसे मोस्टली चीकू ही कहा जाता है और नेसबेरी भी कहा जाता है इंग्लिश में से। दोस्तों इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, बी पाया जाता है, सी पाया जाता है। दोस्तों इसके अंदर तमाम किस्म के एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, जैसे जो आयरन हो गया, तांबा हो गया, तो इसके अलावा सेलेनियम भी है इसमें, मैग्नीशियम भी है, सोडियम भी है, बहुत कम मकदार में लेकिन फुल ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट है। दोस्तों ऐसे लोग जो कब्ज़ का शिकार है, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो वो 3 से 4 दाने या 5 दाने के करीब जो है चीकू के छिलके उतार के ऊपर इसमें से बीज निकाल कर, मोटा सा बीज होता है इसमें ब्लैक कलर का, 5-6 दाने आप खा लें तो आपकी पुरानी से पुरानी जो कब्ज़ है दूर हो जाएगी। तो इसे आप मिल्क शेक बना के भी पी सकते हैं, उससे भी आपकी कब्ज़ दूर हो जाएगी और बहुत एनर्जी वाला ड्रिंक बन जाएगा। तो इसका मिल्क शेक भी बहुत अच्छे तरीके के साथ जो है जिस्म की हिफाजत करता है, ताकत देता है, आपका इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप वीक हैं, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जैसे आजकल बैक्टीरियाज और वायरसेस बहुत असर हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ ख़तरनाक जो है इंसान के ऊपर असर कर रही हैं, तो अगर आप चीकू का मिल्क शेक बना के पिए डेली, तो आपको ये आपका जो कुव्वत मुदाफियत है तेज़ हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो आपको मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियाँ हैं उससे ये बचाएगा फ्रूट। दोस्तों ऐसे लोग जो कैंसर का शिकार हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में चले गए, अगर इसका पल्प निकाल कर वो खाएं तो वो उनका कैंसर दूर हो जाएगा। अगर आप इसे रूटीन में यूज़ करते हैं तो आपको कैंसर से ये बचाता है। दोस्तों ऐसे लोग जिनकी नज़र कमज़ोर है, रात को स्पेशली नज़र नहीं होने आता है, अंधापन का शिकार है, उनके लिए ये बेस्ट है क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है जो आँखों के लिए बहुत अच्छा है। तो 2 से 3 दाने खा लें तो आपकी बनाई जो है तेज़ हो जाएगी, तो आँखों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। दोस्तों ऐसे लोग जो खांसी का शिकार हैं, दमा है जिन्हें, जिनका फेफड़ों की बीमारी है, सांस का कोई प्रॉब्लम है और बुखार भी है साथ में, सर्दी भी लग रही है, तो चीकू का फ्रूट जो है उसके उसी तरह आपने छीलना है, लेकिन पका होना चाहिए बिल्कुल, राइप लेना है आपने, जो सॉफ्ट होता है वो लेकर आपने उसे उसके अंदर नीम गर्म दूध शामिल करके, तो आपने उसे शेक बना लेना, उसे पी लेना है, तो आपकी जितनी भी जो है सर्दी है वो दूर हो जाएगी। दोस्तों अगर आप इसे वैसे ही इसका पल्प खाएं तो आपकी जितनी भी खांसी है, नज़ला ज़ुकाम है, बुखार भी ईवन है आपको दूर हो जाएगा। और दोस्तों जिस्म के अंदर किसी भी जगह पर कोई सूजिश है, गलती है, अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सूजिश दूर हो जाती है क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेशन है बहुत ज़्यादा। दोस्तों जिनकी जल्द ख़राब है, लटकी हुई है, चमक नहीं है, ग्लो नहीं है, डलनेस है उसके अंदर, अगर आप चीकू को का मिल्क शेक पीते हैं या ईवन आप चीकू खाते हैं तो आपकी जितनी भी स्किन के प्रॉब्लम है दूर हो जाएंगे, ख़ास किस्म की चमक आ जाएगी, ग्लो आ जाएगा, तो आपकी खच जो स्किन है खिंच जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी जिसे कहते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से एंटी एजिंग का ये काम करता है। दोस्तों ऐसे लोग जिनके बाल कमज़ोर है, जिनके बाल जो है टूटते बहुत हैं, तो गंजापन के शिकार हो रहे हैं और डेली बाल काफ़ी उनके गिरते हैं, तो अगर वो अपनी खुराक के अंदर चीकू को शामिल कर लें तो इसके अंदर विटामिन एच की मकदार काफ़ी पाई जाती है, जिसकी वजह से आपके बाल लंबे, घने, स्ट्रॉन्ग होते हैं और बालों की ये बहुत हिफाजत करता है। तो ऐसे होते हैं जो हमले हैं, अगर अपने खुराक के अंदर चीकू को शामिल करें तो उनके जो हमल है बहुत मजबूत हो जाएगा और बच्चा जो आसानी के साथ हो जाएगा, दर्द नहीं होगी इतने ज़्यादा, तो जिस्म को ये पावरफुल बनाता है। तो इस वजह से खवातीन अपने खुराक के अंदर इसे लाजमी शामिल करें, लेकिन पका हुआ। दोस्तों ऐसे लोग जिनका गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, डिप्रेशन बहुत रहती है, ज़हनी तनाव रहता है, ब्लड प्रेशर उनका हाई हो जाता है, अगर आप इसे अपनी खुराक के अंदर शामिल करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर जो है लेवल रहेगा, तो आपको अच्छा अच्छा फील होगा, डिप्रेशन आपकी दूर होगी, ज़हनी तनाव दूर होगा, तो बहुत ही अच्छा असर डालता है ये तबीयत के ऊपर। चले दोस्तों ये तो थे इसके चीकू के कुछ बेनिफिट्स, आते हैं अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। दोस्तों इसकी जो मॉडरेट खुराक है मैंने आपको बता दी है, 3 से 4 आप एक सेशन में खा सकते हैं, एक दिन में 3 से 4 काफ़ी हैं, और मुनासिब साइज़ इसका होता है अंडे के जितना साइज़ इसका होता है तकरीबन, लेकिन अंडा बेस भी होता है, ये ज़रा गोल होता है,
तो आप 3 से 4 जो है दाने खा सकते हैं इजीली। और ये पका हुआ आपने लेना है, पके हुए की पहचान ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, हलवा टाइप होता है दबाने से, अंदर से पल्प जो है वो पका हुआ फील होता है। और अगर ये कच्चा हो तो सख्त होगा, जब आप इसे खाएंगे तो आपके मुंह के ऊपर जो है मिल्की सा एक टेक्सचर आएगा, जिसकी वजह से आपको आपका मुंह खुश्क हो जाएगा, गले के अंदर खराश हो जाएगी, सोजिश हो जाएगी, ख़ारिश होगी और पेट के अंदर दर्द होगा और दिल ख़राब होगा। इस वजह से दोस्तों आपने इस चीज़ का एहतियात रखना है, आपने से कच्चा नहीं खाना। ये सख्त होता है जब कच्चा होता है, और थोड़ा सा दरमियाना ये पक भी जाएगा फिर भी सख्त होता है। तो आपने अच्छे तरीके के साथ जो है चीकू को सिलेक्ट करना है जो अच्छे तरीके से राइप होगा, अदरवाइज़ आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको ख़ारिश हो सकती है, सोजिश हो सकती है, पेट पे दर्द हो सकता है और दिल ख़राब भी हो सकता है, वॉमिट भी हो सकती है। तो चलें दोस्तों, ये तो थे चीकू के कुछ बेनिफिट्स और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स। अगर आपका मज़ीद कोई सवाल है चीकू के हवाले से तो आप जो है मुझे क्यूरी कर सकते हैं, तो मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो आपने मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करना है। और मैंने एक और नया चैनल बनाया थीम लाइफ के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करना है। मेरे तीनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें कि जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।